झाबुआ के कल्याणपुरा इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एसपी को लगातार जिले में अन्य स्थानों से गांजा स्मगल होने की सूचना मिल रही थी। इसी सिलसिले में कल देर रात शहर के विभिन्न इलाकों में नशेड़ियों की धरपकड़ की गई थी। इस धरपकड़ के बाद पुलिस को कल्याणपुरा में दो युवकों द्वारा गांजा बेचे जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीपक राठौर और पिंटू चौहान नामक युवक के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दीपक और पिंटू अवैध रूप से गांजा बेच रहे हैं रायपुरिया रोड पर अपनी दुकान पर। मुखबिर की सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित गई। क्राइम ब्रांच एवं पुलिस कल्याणपुरा द्वारा दबिश देकर आरोपी दीपक और पिंटू को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 101 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया।